आधे से ज्यादा यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का अलर्ट, यूक्रेन के 12 प्रदेशों में 8 घंटे से हमले का अलर्ट, कीव समेत पूरे ईस्टर्न यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का अलर्ट, ये देखिए जरा, यूक्रेन के 12 प्रदेशों में 8 घंटों से हमले का अलर्ट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, जरा प्ले इट ऑन। सीधा ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी खबर, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी अटैक, ब्रेक करिए जरा, कीव के आसमान में दर्जनों रूसी फाइटर ड्रोन, यूक्रेन ने रूसी ड्रोन हमले को किया विफल, बड़ी खबर, टारगेट से पहले रूसी ड्रोन को किया शूट आउट, शूट डाउन, शूट आउट नहीं है वो, शूट डाउन करते, ये देखिए जरा सीधा ये राहुल मेरे बगल में एक खबर दिखाइएगा, कैंप फोर पर इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर, कीव के आसमान में दर्जनों रूसी फाइटर ड्रोन, यूक्रेन ने रूसी ड्रोन हमले को किया विफल, टारगेट से पहले रूसी ड्रोन को शूट डाउन कर दिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग, सीधे आइए राहुल फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइएगा, कीव पर रूस का एक हफ्ते में तीसरा बड़ा हमला, कीव के 6 से ज्यादा इलाकों पर ड्रोन हमला, रूस का 25 से ज्यादा शाही ड्रोन से हमला, यूक्रेन ने नष्ट किए 20 से ज्यादा रूसी ड्रोन, रिपोर्ट आ रही है, ये दोनों ब्रेकिंग, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए, यूक्रेनी एयर डिफेंस ने ड्रोन को किया नष्ट, मैं जाऊंगा राहुल जरा दोनों विजुअल स्क्रीन पर दिखाइए, ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये देखिए जरा दोनों विजुअल दिखाइए, ये देखिए जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, आई मीन ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये कीव पर जो अटैक किया गया है, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, आज की सबसे बड़ी खबर मेरे सामने, ये देखिए जरा, ये बहुत मैसिव स्ट्राइक की गई है, और मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ सुमित है, सुमित क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, कीव पर बहुत बड़ा अटैक किया है अब से थोड़ी देर पहले, देखिए बिल्कुल निशांत, लगातार कहा जा रहा है कि कीव पर रूस के फेजेस के अंदर अटैक चल रहे हैं, पहला फेज खत्म हुआ जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, उसके बाद उनकी एयर स्ट्रिप्स को और उनकी लगातार डिफेंस मैकेनिज्म को टारगेट किया गया, और अब रूस की पूरी कोशिश है कि जो मर्सनरीज आए हुए हैं उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को लगातार टारगेट करना, दरअसल रूस की स्ट्रैटेजी है कि वो कुर्स तक पहुंचने वाली सभी प्रोडक्शन लाइन से, या फिर आप कह सकते हैं रसद लाइन को फेज वाइज तरीके से काटना चाहता है, और यही वजह है कि वो इन इलाकों में भी ज्यादा बड़े ऑफेंसिव ऑपरेशन चला रहा है, जहां से ये लाइन जो है, ये जो रसद लाइन है ये जा रही है, इनका रूट्स है, तो अगर आप देखें तो अभी भी रूस की तरफ से 150 से ज्यादा कहा जा रहा है ड्रोन्स, मिसाइल इनसे टारगेट किया जा रहा है, और उसका पूरा मकसद ये है कि कीव के साथ साथ लवीव और बाकी के इलाकों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना। सुमित आप जो जानकारी दे रहे हैं इस वक्त, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे साथ राहुल कैंप फोर पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी हमलों से फिर दिल्ली, यूक्रेन की राजधानी ब्रेकिंग, कीव के रिहायशी इलाकों पर मिसाइल से हमला, बड़ी खबर, रूस का कीव पर 8 मिसाइल से हमले का दावा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, रूसी बॉम्बर TU-95 से मिसाइल लॉन्च का दावा है, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा इसमें प्लीज लिखिए फर्स्ट ऑन TV9, ये इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी हमलों से फिर दिल्ली, यूक्रेन की राजधानी कीव, कीव के रिहायशी इलाकों पर मिसाइल से हमला किया गया, रूस का कीव पर 8 मिसाइल से हमले का दावा, रूसी बॉम्बर TU-95 से मिसाइल लॉन्च का दावा, राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट विद फर्स्ट ऑन TV9, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए ड्रोन से अटैक किया है, मिसाइल से अटैक किया है, और सीधे चलिए जनरल सुधाकर सर मेरे साथ मौजूद है, सर पुतिन ने पूरे यूक्रेन को हिलाकर रख दिया है, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं व्हाट इज द एंड गेम, ये जो अटैक किए गए सर, ये वाले जो अटैक किए गए हैं ये अपने आप सबसे खतरनाक अटैक्स हैं अगर पिछले 48 या 72 घंटे की मैं बात करूं सर।
निशांत, बहुत अच्छा सवाल जिसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये लड़ाई का आखिरी नतीजा क्या होगा क्या नहीं पता नहीं है, लेकिन एक चीज मेरे रिसर्च और स्टडी कहता है कि प्यूटिन किसी भी हालत में इस लड़ाई में हार नहीं सकते हैं। इनका जियोपॉलिटिकल कॉस्ट प्रोहिबिटिव है और उनका खुद का पर्सनल इज्जत जो है इज एट स्टेक। ये एक इशू मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। दूसरा, मैं दोनों आपके जो को पैनलिस्ट है मनीष और चौधरी, दोनों के दोनों, उनको बधाई देते हुए कहना चाहता हूँ कि ग्राउंड सिचुएशन इतना नाजुक है, आज के दिन में कुर्स्क अटैक में सक्सेस हासिल करने के बाद दोनों तरफ की तरफ ये चुनौती आने लगे हैं। जो चेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो लॉन्ग लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ये कीव की तरह लंबी हो गई है, और उनका जो लॉजिस्टिक बेस जहां से ये अटैक और सप्लाईज प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत ही वल्नरेबल हो गया है। तो रशिया को मेरे मानना है कि कीव के ऊपर जो ये प्रेशर डाल रहे हैं, ये इसलिए डाल रहे ताकि कमांड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इसके ऊपर दबाव डाला जाए। नंबर दो, जो मिलिट्री लीडरशिप इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इनके ऊपर एट्रिशन लाया जाए। नंबर तीन, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो कुर्स में ऑफेंसिव जा रखा है, 1062 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने कब्जा कर रखे हैं, उसको पीछे से यानी कि यूक्रेन की तरफ से उसको नाजुक और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें। सर, आप जो बता रहे हो, ऑन लाइटर नोट में आपसे एक चीज बताऊंगा, जैसे वो है ना लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, शंकर, जय किशन, और आज आपने एक नया नामकरण कर दिया है, वो है मनीष और चौधरी।